अरे ये गोली ना खानी नहीं है बेटा, ऐसे चूसनी है, ठीक है? मुंह में डालो, अच्छी है, अच्छी निकाल दी। और तुम बताओ, तुम ठीक हो? कौन सी गोली चूस रहे हो वैसे? ये विटामिन सी। विटामिन सी की। सही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी स्टार्टेड। मेरे इस हाथ पर लगा हुआ आटा। ओ बहुत ही आरबी आरबी। हाँ आरबी को दिखाओ भाई। बोलो वेलकम, बोलो वेलकम। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और बाकी सबकी तबीयत भी बताती हूँ कैसी है कैसी नहीं है, पर पहले खाना बना लेते हैं। और अम्मा को बताऊँ? ठीक है, अम्मा की भी बताएंगे तबीयत कैसी ले। है। मेरे लिए भी ले आए गोली। यहाँ पे बन रहा है सबके लिए ORS का घोल, जो कि बहुत ही टेस्टी है। मैं तो कल से ही ना इसको बार 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 पिए ही जा रही हूँ, और आज सुबह में भी ना ये तीसरी बार बन रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 20 रुपए का घोल है, और बहुत ही अच्छा है। ORS का पानी की कमी नहीं होने देगा ये बॉडी में, और तो हम लोग इसे ना बार बार पी रहे हैं, मतलब पानी की जगह पे यही पी रहे हैं, और मुझे तो बहुत टेस्टी भी लग रहा है। अच्छा हो गया। देखो, और तीसरे अरुण के लिए बस। तो भैया हम यहाँ पे सबके लिए खांसी की दवाई बना रहे भाभी, हैं। भाभी कितनी ढक्कन लेनी है? यहाँ कितनी ढक्कन लेनी है? दो तो ढक्कन बहुत है ना। दो घुट मुझे भी पिला दे, शराबी देख फिर होता है क्या। बस दो दो पैक बना दिए मैंने। अब जिस जिसने पीना है, मेरे को पीना है एक पैक, मैं तो चेस कर लेती हूँ चेस। पता है मैं ही सही हूँ थोड़ी सी, नहीं वैसे सब ज्यादातर ठीक है। ये कैमरे के पीछे जो फेस है वो भी ठीक है, पर ना अलग ही मजा सा आ रहा है। कभी तो इतनी खुशी सी होने लगती है, कभी कभी ऐसा लगता है अब भाई भाई साहब अब बिल्कुल भी दम नहीं है, अब नहीं होगा कुछ भी। तो चलो अभी मैं दवाई दे देती हूँ सबको। सो गाइस, अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो ये है कि ना आज हमारे घर लाइट नहीं आ रही, लगभग सुबह की गई है, 8:30 बजे की लाइट गई है, तब से लाइट नहीं आ रही है। और दूध भी तभी का आया था, तो मैंने ना दूध गर्म नहीं किया। मम्मी ने बोला भी था कि दूध गर्म कर लो गैस पे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा आलस किया, मैंने कहा मम्मी, क्योंकि जो भगोना है ना वो इंडक्शन का है, और मैंने डायरेक्ट भगोने में ही दूध कर दिया था, तो फिर मुझे वो बदल के गैस पे रखने के लिए दूसरे भगोने में करना पड़ता। मैंने कहा थोड़ी बहुत देर में लाइट आ जाएगी, तो इसलिए उसको रहने देते हैं, और मैंने दूध उठा के फ्रिज में रख दिया। और हुआ ये कि ना 12:15 बजे लाइट आई है, और मैंने दूध गर्म किया, तो दूध का क्या हो गया देखो मैं दिखाती हूँ। दूध ना गर्म करने के बाद यहाँ पे ये फट गया है, और पूरा इसका ये जो पनीर बन गया है ये साइड में, और ये पानी पानी हो गया एक तरफ। तो अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ तो हो गई है मेरे से, पर अब मैं क्या करूँ। देखा आपने, मेरे से इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई सच्ची में। थोड़े से मतलब थोड़े से आलस की वजह से मैंने पूरा 2.5 किलो दूध ख़राब कर दिया, मेरी गलती की वजह से यार। अभी तो मम्मी को भी नहीं बताया, मम्मी को बताऊंगी। वैसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर नुकसान तो नुकसान ही है यार। अब क्या कर सकते हैं, लाइट भी आज इतनी लेट आई, और यहाँ पे दूसरे वाले भगवान का दूध गर्म हो रहा है। आई होप ये नहीं ख़राब होना चाहिए, वरना तो फिर वरना अभी जाना पड़ेगा हम लोग को मार्केट, और दूध लेके आना पड़ेगा। आरबी तो दिन में दूध पीता ही है, तो देखते हैं अभी कुछ सही हो जाए। गाइस मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, तो मैंने ना कानों में कुछ भी नहीं डाल रखा है,
क्योंकि हार भी जब भी सोता है ना शाम को या दोपहर को, तो उसकी आदत है कि कानों को पकड़ के, पता नहीं क्या आदत है उसकी, कानों को पकड़ के करता रहेगा। और जो थे मेरे कान में वो निकल गए और पता नहीं कहाँ खो गए। तो ये बड़े बड़े हैं, तो ये तो मैं डाल के नहीं जाना चाहती, पर मैं इसमें कुछ करती हूँ DIY। तो इसको निकाल के ये ऊपर ऊपर का रह जाएगा ना, तो फिर छोटे से टॉप्स मुझे डालने ज़्यादा पसंद है घर में, तो मैं वही करती हूँ इसके साथ। ये मैंने निकाल दिया, अभी ठीक है ये, तो मैं इसे डाल लेती हूँ इधर। अभी ठीक है ना, और इस वाले को भी मैं निकाल लेती हूँ। ये भी निकल गया, वैसे ये काफ़ी इजीली निकल गया, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं था, वरना ये मैं पहले भी कर सकती थी। अभी ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ थोड़ा सा। पता है दोपहर का टाइम है तो कुछ ऐसा करने का मन तो नहीं है, पर थोड़ा सा टिप टॉप खो लेती हूँ एंड इसके बाद चलते हैं। ये ले लिया मैंने अपना मास्क और चलते हैं अभी। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मंडी घर का कुछ सामान लेने। घर से बाहर निकलना तो कोई नहीं चाहता, पर जो घर की ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो आरवी मम्मी की तबीयत के बारे में बोल रहा था, तो वो ये है कि मम्मी का ये आज डायबिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी मॉर्निंग में, वो उनको दवाई दे दिया और बाकी का अभी मम्मी को आराम है। जो भी होगा अपडेट घर के बारे में मैं बताती रहूँगी आप लोगों के लिए। हम लोग आए पलवल की मंडी में बहुत टाइम बाद, और आपने देखा हम लोग ना बाइक से आए हैं और बहुत जोरों शोरों की लू चल रही है, लू अभी फिलहाल। तो पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, कुछ लेना है, तरबूज लेना है और एक दो सामान और लेना है, तो वो हम लोग ले लेते हैं। पैसे दे दे। अब हमने ले लिया बहुत सारा सामान, अब मैं घर जाके ब्लॉगिंग करूंगी। भैया रास्ते में बस की नहीं है, पहले तो ये आए हम इतने बड़े महान वाहन से हैं, तो चलो घर चल के मिलते हैं। अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं नारियल, जो कि नारियल पानी वाला नारियल रहता है ना, मैं पहुंच गई घर और मेरा मास्क अपने आप ऑटोमेटिक नीचे को आ गया है। तो सबसे पहले भैया सामान रख के हैंड वॉश करेंगे। आप हैंड वॉश कर लो पहले, मैं तो कर बता रही हूँ क्योंकि आप सामान रखने अंदर गए थे फिर भूल गए। हैंड वॉश करने से क्या होगा? कोरोना नहीं टच होगा है नहीं, पर हाथ धोने में कुछ जा रहा है। लो अभी मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है, और आरवी को हम सुला के गए थे, उसको लेके नहीं गए थे क्योंकि बाहर का माहौल आपको पता ही है कैसे चल रहा है इस वजह से। और अपनी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ठीक है? बाहर जाओ मास्क लगा के जाओ एंड सैनिटाइज़र ज़रूर रख के लेके जाना। और आपने देखा मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम भीड़, क्योंकि एक तो दोपहर का टाइम है और कुछ बीमारी की वजह से भी लोग बहुत कम निकल रहे हैं। अब यहाँ पे वैसे कोई लॉकडाउन नहीं है, पर शाम को 6 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, तो इसलिए दिन में ही जो भी सामान लेके आना हो वो ले लेते हैं पहले से ही। तो अभी लगभग घर में सब लोग ठीक हैं और सबका ध्यान रखा जा रहा है, काढ़ा टाइम टू टाइम पी रहे हैं सब लोग, बिल्कुल भी लापरवाही, कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे हैं घर में, टाइम टू टाइम दवाई एंड काढ़ा चल रहा है सबका। मुझे काफ़ी आराम है और वर्ल्ड को आराम है, बाकी सबको वीकनेस है तो फिर वो धीरे धीरे जाएगी, है ना? वीकनेस तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ एंड कुछ हुआ तो मैं वो ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, प्लीज़ आप लोग समझना मेरी बात को, क्योंकि घर में सब लोग अच्छे से रहते हैं ना, सब लोग ठीक रहते हैं, मतलब तबीयत ठीक रहती है, मेंटली फिजिकली ठीक रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ी थोड़ी सी ही व्लॉगिंग करूँगी, आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करना।
तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना खास ध्यान रखना।